जैन साथियों, कैसे हो आप? से मैं स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सपेयर नॉलेज। आज हम दोस्तों स्टूडियो में बात करेंगे आपके दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल गाइस पीएसटी और पीएटी के बारे में। आपका सेम फ्रेंड्स फिजिकल टेस्ट कैसे होता है, आपका हाइट चेस्ट वेट कितना होना चाहिए, जिन फ्रेंड्स का वेट ज्यादा है क्या उनको वेट में बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, हम दोस्तों सब डिस्क्रिप्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख लेते हो फ्रेंड्स, आपका फिजिकल से रिलेटेड आपका ये भी डाउट ऐसा नहीं रहेगा जो आपको पता ना हो। मैं फ्रेंड्स आपके सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूं दोस्तों। फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल दोस्तों एक ऑफिशियल नोटिस है, इसका लिंक मैं दे दूंगा दोस्तों आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में, जब आप क्लिक करके डायरेक्ट इस नोटिस को देख सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नोटिस डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2019। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन गेट एंड यहाँ पे दोस्तों देखिए डेट 14/10/2019 तक गाइस अपने फॉर्म फिलअप किए थे ये। ठीक है, लास्ट डेट आपकी थी 13/11/2019 तक अपने फॉर्म फिलअप कर लिए थे, आपको पता ही होगा दोस्तों, ये बात मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ। बात करो आपकी नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में फ्रेंड्स, इसमें आपकी टोटल पोस्ट 554 है 554, जिसमें आपको मेल को मिलती है दोस्तों 372 पोस्ट, फीमेल को मिलती है 182 पोस्ट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं फिजिकल के बारे में अभी, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट क्वालिफाइंग दोस्तों, ये आपको ओनली क्वालिफाई नेचर होगा, इसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए फोर कैंडिडेट इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन एंड डिपार्टमेंट कैंडिडेट एज वाइज विल बी एज अंडर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक्स सर्विसमैन के बारे में बताऊंगा, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके लिए भी बताऊंगा। ठीक है, तो आपको यह सोचना नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एज रेस 1600 मीटर लॉन्ग जंप हाई जंप। फ्रेंड्स बात करो अप टू 30 ईयर, जिनकी भी एज 30 साल से नीचे है दोस्तों, इसमें आपकी रेस होगी 7 मिनट में, आपको रेस क्लियर करनी है 1600 मीटर। जिसकी भी एज 30 से नीचे है उनके लिए बता रहा हूँ अभी, 7 मिनट आपको दोस्तों रेस क्लियर करनी है 7 मिनट में 1600 मीटर रेस आपकी रेस होगी। इसमें लॉन्ग जंप की बात करें, इसमें आपका लॉन्ग जंप दोस्तों 12.5 फीट होगा, हाई जंप आपका 3.5 फीट होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करें अबाउट 30 टू 40 ईयर, जिनकी भी उम्र 30 से 40 के बीच में है, उनकी फ्रेंड 1600 मीटर रेस होगी जो आपको क्लियर करनी है 8 मिनट में, और लॉन्ग जंप दोस्तों इसमें आपका होगा 11.5 फीट एंड हाई जंप इसमें आपका होगा 4.5 फीट एंड हाई जंप होगा इसमें आपका 3.5 फीट 3.3 फीट। ओके दोस्तों, बात करें अबाउट 40 ईयर, जिनकी भी उम्र 40 से ऊपर है उनके लिए बता रहा हूँ अभी, इसमें आपकी दोस्तों रेस होगी 1600 मीटर जो आपको क्लियर करनी है 9 मिनट में, लॉन्ग जंप इसमें आपका होगा 10 फीट, हाई जंप इसमें होगा दोस्तों आपका 3 फीट, जिनकी भी उम्र 40 प्लस है। अब बात करें फीमेल के बारे में, जो भी एक्स सर्विसमैन फीमेल है फिर डिपार्टमेंट है इसमें फ्रेंड्स सब इंक्लूड है, तो आप ये मत सोचिए कि कितनी से इतनी एज की कैसे महिलाएं आएंगी। तो दोस्तों देखिए जिनका भी मतलब डिवोर्स हो चुका है फिर पहले डिपार्टमेंट में रह चुके फ्रेंड्स, ये सब उसके लिए बता रहा हूँ मैं, उसके लिए भी और आपके लिए भी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अप टू 30 ईयर, जिनकी भी एज 30 से नीचे है दोस्तों उनके लिए है, जो भी महिलाएं हैं इसमें आपकी दोस्तों आपकी 800 मीटर रेस होगी जो आपको क्लियर करनी है 5 मिनट में, लॉन्ग जंप आपका 9 फीट होगा महिलाओं के लिए बता रहा हूँ अभी, हाई जंप आपका 3 फीट होगा। अब 30 से 40 ईयर, जिन महिलाओं की एज 30 से 40 के बीच में है, इसमें आपकी 800 मीटर रेस होगी जो आपको क्लियर करनी है 6 मिनट में, लॉन्ग जंप इसमें आपका 8 फीट होगा, हाई जंप दो से 1/2 फीट, ठीक है 2.6 फीट। अब 40 ईयर, अगर बात करें हम अब 40 ईयर के बारे में, मतलब 40 प्लस जिनकी एज जो महिलाएं हैं, इसमें आपकी रेस होगी 800 मीटर जो आपको क्लियर करनी है 7 मिनट में, लॉन्ग जंप आपका 7 फीट होगा, हाई जंप आपका 2 से 1/4 फीट होगा, मतलब 2.3 फीट। ओके, ये आपका डाउट था जो मैंने क्लियर कर दिया है। अब बात करें हाइट के बारे में, हाइट का एक बड़ा वो रहता है, अब बात करते हैं हाइट के बारे में, 165 सेंटीमीटर। अगर आप जनरल ओबीसी एससी आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो दोस्तों, आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें फ्रेंड्स 5 सेंटीमीटर की छूट उनको मिलेगी जो भी हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे कि पहाड़ी इलाका जैसे मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम मेघालय जबके सामने जो स्टेट आ रही है फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हो तो भी आपको हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, मतलब आपकी 160 सेंटीमीटर आपकी चल जाएगी वहां पे अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हो, और जो भी एसटी कैंडिडेट है उनको भी इसमें छूट दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, बात करें चेस्ट के बारे में, 78 से 82 आपकी चेस्ट होनी चाहिए, आपके पास 204 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। इसमें 5 सेंटीमीटर की छूट उसको मिलेगी चेस्ट में जो भी हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, जिनके पास हिल एरिया का सर्टिफिकेट होगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों हिल एरिया सर्टिफिकेट, और जो भी एसटी से बिलोंग करते हैं उनको भी इसमें छूट मिलेगी 5 सेंटीमीटर की। ठीक है दोस्तों, अब बात करें फीमेल की हाइट के बारे में, देखिए फीमेल कैंडिडेट हाइट 157 सेंटीमीटर, अगर आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर है दोस्तों फीमेल के लिए बता रहा हूँ, तो इसमें आप सिलेक्ट हो और 5 सेंटीमीटर छूट इसको मिलेगी। यहाँ पे देखिए हिल एरिया सर्टिफिकेट, जिन महिलाओं के पास हिल एरिया सर्टिफिकेट होगा उनको इसमें छूट मिलेगी 5 सेंटीमीटर की, मतलब आपकी 152 सेंटीमीटर हाइट है तो भी आप इसमें 500, अगर आप एससी एसटी से हो और आप हिल एरिया से बिलोंग करते हो ठीक है, तो आप इसमें पास, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको इसमें 100% छूट दी जाएगी।
तो यही आपका फिजिकल प्रोसेस तक ज्यादा बड़ा नहीं होता, सिंपल होता है काफी, ठीक है। आपको फिर भी कुछ पूछना, आपको फिर भी कुछ डाउट लगे, आप मुझे बेझिझक से कमेंट कर सकते हो, मैं आपको 100% दोस्तों रिप्लाई दूंगा। ये भाई चैनल आपका है, आपको चलाना, आपको सपोर्ट कर, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप चैनल पे पहली बार आए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नीचे रेड कलर के बटन पे क्लिक करके आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाता रहता हूँ गवर्नमेंट जॉब वाली। तो आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके चैनल सब्सक्राइब करने से और बेल बटन ऑन करने से और वीडियो लाइक करने से भाई मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो गाइस चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नीचे रेड कलर के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा आपको नीचे वीडियो के नीचे, वहां पे क्लिक कर दीजिए, जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस।